गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टार फिजिकल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे, जो हमारा रिटर्न टेस्ट होता है एपीएस में सीएसबी कार्ड के लिए। 2013 का पेपर मैं आज लेके आई हूँ, फिजिकल एजुकेशन का है और ये पीजीटी का है। ठीक है, सीएसबी कार्ड हमें क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको एपीएस में, इंडिया के किसी भी एपीएस में आपको इंटरव्यू देना है, जो लेनी है, तो आपको सीएसबी क्लियर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आप इंटरव्यू के लिए विजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या है हमारा, ये इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज में है, हम इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या रहेगा हमारा, इन विच ईयर इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन CHI वॉज फॉर्म्ड। किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल फेडरेशन CHI का गठन किया गया था, किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, 1946 में अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल फेडरेशन CHI का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन विच ईयर फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ फुटबॉल वॉज ऑर्गेनाइज्ड। फुटबॉल का पहला विश्व कप किस वर्ष में आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था 1930 में। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। दूसरा मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, क्योंकि अभी HTET के फॉर्म भी निकले हुए हैं, उत्तराखंड में भी वैकेंसी निकली हुई हैं, हर स्टेट अभी निकालेगा एग्ज़ाम टीचर के लिए, तो आपको अगर फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करनी है आपको, तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मटेरियल आपको फिजिकल एजुकेशन का ही मिलेगा हमारे चैनल पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्टंप्स अबव द ग्राउंड। जमीन के ऊपर स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, कितनी होती है ये हमारी, 28 इंच। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हेन बास्केटबॉल वाज इंक्लूड इन ओलंपिक फॉर द फर्स्ट टाइम। बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया था, बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया था, ये बताएंगे आप मुझे 1936 में। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द बास्केटबॉल बोर्ड फ्रॉम ग्राउंड। बास्केटबॉल बोर्ड ग्राउंड की ऊंचाई कितनी होती है, मतलब बास्केटबॉल का जो बोर्ड होता है उसकी धरती से ऊंचाई कितनी होती है, तो ये होती है 3 मीटर होती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है हमारा, एप्पन इज़ कनेक्टेड विद, एप्पन का संबंध किससे है, पॉइंट, गोल, फ्यूल या पेलेंटी। तो इसमें किससे है हमारा, पॉइंट से, एपन पॉइंट से, सॉरी एक मिनट, एपन का संबंध किससे है, ये है हमारा पॉइंट से। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विलंबंडन इज फेमस फॉर, विलंबंडन इज फेमस फॉर, जब विलंबंडन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है हमारा फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या लॉन टेनिस। इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, लॉन टेनिस। नेक्स्ट क्या है, हॉरिजेंटल एक्सरसाइज आर एसोसिएटेड विद, अच्छा हॉरिजेंटल क्या होते हैं, ये एक क्षितिज व्यायाम होते हैं, ये किससे जुड़े हुए होते हैं, तो ये होते हैं हमारे PT एक्सरसाइज, जो फौज में BPT वगैरह होती हैं, ये उसी का एक हिस्सा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन विच ईयर फर्स्ट टाइम वॉलीबॉल गेम्स इंक्लूड इन एशियन गेम। एशियाई खेलों में पहली बार वॉलीबॉल खेल को कब शामिल किया गया था, तो ये रहेगा हमारा 1958 में। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज़ डायमीटर ऑफ लॉन टेनिस बॉल, व्हाट इज़ डायमीटर ऑफ लॉन टेनिस बॉल, लॉन टेनिस बॉल का व्यास कितना होता है, कितना होता है, 6.67 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या रहेगा हमारा, इंजरीज आर अमोंग द मोस्ट डेंजर्स, सबसे ज़्यादा मतलब खतरनाक कौन से वाली चोट होती है, फुट, नेक, आर्म, हैंड। देखो कितने इजी क्वेश्चन हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रह जाते हैं क्वेश्चन पेपर के लिए, और आर्मी स्कूल में ज़्यादातर आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, नेक, क्योंकि गर्दन में सबसे ज़्यादा खतरनाक चोट लगती है, तो वो गर्दन की मानी जाती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, स्नैच इज कनेक्टेड विद, स्नैच के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब किससे संबंधित है स्नैच, हैंडबॉल, रेसलिंग, जूडो या फिर
वेट लिफ्टिंग किससे जुड़ा हुआ है? हैंडबॉल. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर रहेगा हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इज देयर एनी टाइम आउट इन हैंडबॉल? हैंडबॉल में कितने टाइम आउट आप ले सकते हैं? तो ये कितने ले सकते हैं? 3 टाइम आउट ले सकते हैं. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. व्हाट इज द लेंथ एंड हाइट ऑफ फुटबॉल गोल पोस्ट? हैंडबॉल में फुटबॉल की ऊंचाई और लंबाई, गोल पोस्ट की ऊंचाई और लंबाई क्या होती है? तो ये क्या रहेगी हमारी? 7.28 ये रहेगा हमारा. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. 7.28 मीटर एंड 2.44 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? व्हेन द फर्स्ट वन डे इंटरनेशनल मैच वाज प्लेड? पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया था? तो ये कब खेला गया था? 15 जनवरी 1971 में. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्या है आपका? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम आउट इन बास्केटबॉल? बास्केटबॉल में समय की अवधि कितनी होती है? तो वो 30 सेकेंड होता है हमारा. जब हम उसको बॉल को जंप करते हैं तो वो 30 सेकेंड का टाइम होता है हमारे पास. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्या है हमारा? व्हेन बैडमिंटन वाज इंक्लूड इन एशियन गेम फॉर द फर्स्ट टाइम? बैडमिंटन को पहली बार एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया था? 1962 में किया गया था. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्या है आपका? विच लेन इज गिवन टू द बेस्ट स्विमर? जो सबसे अच्छा तैराक होता है उसको हम कौन सी लेन प्रोवाइड करवाते हैं? मतलब सबसे अच्छा तैराक को 4th लेन दी जाती है. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 19. फेदर वेट इज कनेक्टेड विद? फेदर वेट किससे संबंधित है? जूडो, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग या फिर बॉक्सिंग, किससे है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, बॉक्सिंग. नेक्स्ट क्या है आपका? दिस गेम इज प्लेड ऑन द बेसिक ऑफ वेट वाइज? इसमें क्या रहेगा हमारा? यह खेल वजन के आधार पर खेला जाता है. मतलब इसमें कौन सा गेम है जो वेट के अकॉर्डिंग खेला जाता है, जिसमें वेट के साथ फाइट की जाती है? स्विमिंग नहीं है, शूटिंग नहीं है और वॉलीबॉल नहीं है. ईजी क्वेश्चन, जूडो. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? संतोष ट्रॉफी इज कनेक्टेड विद? संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ये आप मुझे, बहुत इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर टेबल टेनिस वॉज इंक्लूड इन ओलंपिक? टेबल टेनिस को किस वर्ष ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो ये किस वर्ष किया गया था? 1988 में किया गया था. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. हाउ मनी ऑफिशियल्स आर देयर इन अ गेम ऑफ टेबल टेनिस? टेबल टेनिस में कितने अधिकारी होते हैं? कितने होते हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 4 अधिकारी होते हैं. नेक्स्ट क्या है आपका? द बॉक्सिंग मैचेस आर कनेक्टेड ऑन? बॉक्सिंग मैच आयोजित किए जाते हैं किसके बेस पे किए जाते हैं? गेम पॉइंट, पॉइंट बेसिक, नॉकआउट बेस या नन ऑफ दीज? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर रहेगा. इसमें पॉइंट बेस पे बॉक्सिंग के मैच का रिजल्ट आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द गेम ऑफ जूडो ऑर्गेनाइज्ड इन? जूडो का खेल किस देश में शुरू हुआ था? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ये जापान से हुआ था. नेक्स्ट क्या है आपका? इन विच ईयर इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन वॉज फॉर्म्ड? अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन का गठन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1881 में. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ज़्यादातर इसमें डेट वाले क्वेश्चन हैं. और हर टाइम जब भी आप देखोगे, क्योंकि हर साल नवंबर में होता है CSB का एग्ज़ाम, इसमें ज़्यादातर डेट दी जाती हैं कि फर्स्ट अर्जुन अवार्ड किसने जीता है. फर्स्ट वाले ही ज़्यादा रहते हैं, कहाँ से कौन सा गेम स्टार्ट किया गया, कौन से सन में किया गया, तो यही रहता है इसमें. CSB के एग्ज़ाम में ज़्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? थॉमस कप वाज स्टार्टेड इन 1948, टेल द नेम ऑफ चैंपियनशिप. थॉमस कप 1948 में शुरू हुआ था, तो मतलब ये कौन सी चैंपियनशिप थी ये बतानी है. वो ये थी हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप थी. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्या है? मिस्टर सुशील कुमार एंड योगेश्वर दत्त आर फॉर्म फेमस प्लेयर. ये दोनों के दोनों हरियाणा के हैं, सॉरी सुशील कुमार दिल्ली के हैं,
लेकिन योगेश्वर दत्त हरियाणा के हैं और फेमस प्लेयर हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं दोनों के दोनों। ये क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एथलेटिक्स वर्ल्ड कप वाज स्टार्टेड इन, एथलेट विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी? तो ये कब हुई थी, 1979 में हुई थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आमचोर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन 1946 विच सिटी? आमचोर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1946 में किस शहर में हुई थी? तो ये हुई थी दिल्ली में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ऑर्गन ऑफ योगा हैज बीन ट्रेस बैक टू, योग की उत्पत्ति का पता लगाया गया है। तो ये किससे लगाया गया है, एनोशियंट हिंदू विजडम से लगाया गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, यम मीन्स मतलब यम का अर्थ बताइए, इसमें यम का अर्थ पूछा गया है। तो ये क्या रहेगा हमारा, रेस्ट्रेंस रहेगा हमारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन 1937 द फर्स्ट वर्ल्ड कप स्पीच चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? 1937 में पहली विश्व स्पीड चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी आपकी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्या है हमारा, विच इज टारापेनिसियल्स गुड फॉर अस्थमा कंसिपेटेशन एंड लोअर बैकेज? ये क्या है हमारा, इसमें अस्थमा कब्ज और पीठ के निचले हिस्से में दर्द के लिए कौन सी चिकित्सा मतलब अच्छी रहती है? तो ये त्रिभोक्सनासन लिख रखा है इन्होंने, त्रिभोक्सनासन लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे आएगा त्री टी आर आई के ओ एन आएगा इसमें, यहाँ पे ये बाई मिस्टेक हो रखा है। त्रिकोणासन मतलब जो हमारा त्रिकोणासन होता है वो वाला इसमें बेस्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है हमारा, विच इज कंसिडर्ड द फादर्स ऑफ ताइक्वांडो? ताइक्वांडो का जनक मतलब किसे माना जाता है? ये रहेगा हमारा ऑप्शन डी, जनरल होंग ही चोई माना जाता है, जनरल होंग हाई चोई। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है हमारा, द वार्निंग पेनल्टी कॉल्ड मतलब चेतावनी जुर्माना कहा जाता है, इसमें किसमें कहा जाता है, कांगो में, ये कांगो। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ही इज मीडियम पेस बॉलर मतलब इसमें क्या पूछा गया है, मध्यम गति के गेंदबाज कौन है इसमें? तो आप लोग क्रिकेट वगैरह देखते थे पहले भी, ये पुराने खिलाड़ियों के नाम है इसमें, इरफान पठान है, कुंबले है, हरभजन सिंह और सुरेश रैना, इसमें से मध्यम गति का बॉलर पूछा गया है। तो ये रहेंगे हमारे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, इरफान पठान। नेक्स्ट क्या है आपका, इट्स वर्ड्स मे बी मेड ऑफ एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम की कील किस में बनी हो सकती है, इसमें इजी क्वेश्चन है, जेवलिंग में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है आपका, अर्जुन अवार्ड फॉर क्रिकेट 1984 वाज गिवन, क्रिकेट में 1984 में अर्जुन पुरस्कार मतलब किसको दिया गया था? इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए सी सॉरी रवि शास्त्री को दिया गया था, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अर्जुन अवार्ड फॉर हॉकी इन 1963 अवार्डेड टू, 1963 में हॉकी में अर्जुन अवार्ड किसको दिया गया था? मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अवार्डेड से आएंगे, स्टार्टिंग कब हुई थी, लास्ट में कब हुए थे गेम, यही पूछा जाता है इसमें ज़्यादातर। तो ये इसमें आंसर रहेगा हमारा चरणजीत सिंह, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अर्जुन अवार्ड फॉर हॉकी इन 1963 अवार्डेड टू चरणजीत सिंह। सुनील छेत्री फेमस फॉर विच गेम, ये भी सुनील छेत्री हैं, ये भी फेमस प्लेयर हैं और ये किस चीज़ के हैं, फुटबॉल के हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट शुड बी द थिकनेस ऑफ ए हॉकी स्टिक मतलब हॉकी स्टिक्स की
मोटाई बताइए आप इसमें, थिकनेस पूछी गई है इसमें हॉकी स्टिक्स के। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता है, ये आप मतलब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मुझे लग रहा है डी, ऑप्शन डी, मतलब ये 0.1 तो होता है लेकिन इसमें 1 इंच दे रखा है, तो मैं श्योर नहीं हूँ इसमें इसका आंसर। अगर आपको किसी को भी पता है तो ताकि मुझे भी आप बता देना, मुझे भी नॉलेज मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अर्जुन अवार्ड फॉर टेबल टेनिस इन 1985 वाज अवार्डेड टू डैश, इसमें क्या पूछा गया। 1985 में अर्जुन पुरस्कार टेबल टेनिस में किसको दिया गया था, तो ये है कमलेश मेहता, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज द वेट ऑफ हैंडबॉल फॉर मैन, हैंडबॉल में मैन के लिए फुट उसका हैंडबॉल का वजन मतलब कितना होता है ये पूछा गया है। ये होता है हमारा 425 to 475, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द साइज ऑफ जूडो प्लेटफॉर्म, जूडो का जो प्लेटफॉर्म होता है उसका साइज कितना होता है, ये हमारा होता है 30x30 feet होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है आपका, अर्जुन अवार्डेड अक्रम शाह फॉर विच गेम रिलेटेड, अक्रम शाह अर्जुन अवार्डेड हैं और ये किस गेम से संबंधित हैं ये आप मुझे बताएंगे, ये किस में आएगा हमारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ये जूडो से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रोमन रिंग रिलेटेड फ्रॉम विच स्पोर्ट्स, रोमन रिंग किस खेल से संबंधित है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, आप आराम से क्रैक कर सकते हैं आप, आई होप आपने सभी ने अप्लाई कर दिया होगा। ये रहेगा हमारा जिमनास्टिक का, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, रोमन रिंग रिलेटेड फ्रॉम विच स्पोर्ट्स, जिमनास्टिक्स। व्हाट इज हाइट ऑफ वोल्टिंग बॉक्स, ये क्या रहेगा हमारा, वोल्टिंग बॉक्स की ऊंचाई की मतलब कितनी होती है, ये कितनी होती है हमारी, व्हाट इज हाइट ऑफ वोल्टिंग बॉक्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 1250 meters होती है, 1250 सॉरी मिलीमीटर होती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, इन विच ईयर खो खो वाज इंट्रोड्यूस इन एशियन गेम, मतलब इंटरनेशनल गेम खो खो वाज इंट्रोड्यूस इन एशियन गेम, किस वर्ष खो खो को एशियाई खेलों में मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये किया गया था 1982 में, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अच्छा 1936 में भी उसमें किया गया था, 1936 का जो ओलंपिक हुआ था इंट्रोड्यूस खो खो को उसमें भी करवाया गया था, लेकिन अभी तक एशियन गेम में खो खो गेम इंक्लूड नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन विच ईयर कबड्डी इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम इन एशियन गेम, कबड्डी किस वर्ष एशिया खेलों में पहली बार मतलब करवाया गया था, तो ये करवाया गया था 1990 में, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि हमने 50 क्वेश्चन किए हैं, 50 हम कल के वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे के जो 50 क्वेश्चन हैं हमारे, ठीक है। जिस भी फ्रेंड्स ने एचटेट का फॉर्म भी फिल कर दिया है फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, जिसने भी फिजिकल का TGT PGT और PRT देना है वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं फिजिकल एजुकेशन का ही करवाती हूँ। कल का वीडियो था जो हमारा चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पे था, जितना भी आएगा हमारा फिजिकल एजुकेशन का मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हम एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, अगर आप तैयारी कर सकते हैं तो। थैंक यू।